जब माता पिता के बीच में हल्की सी स्थिरता आ जाए, तब बच्चों का काम है माता पिता के गुणों का गुणानुवाद करना। ये बच्चों का काम है कि वो हर्षित करें माता को पिता को, उनके गुणों का गुणानुवाद गाएं। ये बहुत भीतर की बात है। बड़ा विस्तार है कथा में। तो सुंदर सी पाती गई थी अयोध्या, हर्षित हुए राजा दशरथ, तीनों रानियां, गुरुदेव वशिष्ठ। क्या बारात आई थी महाराज अयोध्या से, क्या नहीं आया था अयोध्या से, सकल वैभव बारात के रूप में, देवगण मुनिगण इंद्र आदि रोक नहीं पाए ब्रह्मा स्वयं को, महादेव आदि रुद्र गिरिकंदराओं में बैठे ऋषि मुनियों ने वेश बदल लिए बराती बनकर और जनकपुर में एक महीने बारात रही। बचपन में तो हमने भी एक दो तीन दिन की बरातें देखी हैं, बहुत बाल्यकाल में। अभी तो घंटे दो घंटे का सारोकार है। आप में से कई लोगों ने देखा है वो दृश्य, अपनों के लिए मनोहार सजन गोठ, किस तरह से बारात का आदर, वो सजन गोठ कैसी है, स्वजनों की गोष्ठी, सजन गोठ माने स्वजनों की गोष्ठी, स्वजन गोष्ठ स्वजनों की, उनकी मनोहार, उनका आदर, उनके लिए प्रीति पूर्वक रुचि पूर्वक व्यंजन पकवान मिष्ठान आभूषण परिधान ये सब करते रहना चाहिए। इसे मानसिक कष्ट न हो, इसमें आर्थिक अनियमितता न हो जाए, अकारण ही किसी को कष्ट न दे। लेकिन हाँ, उत्सव पर्व और परंपराएं इन्हें जीवंत रखना, जागृत रखना, इन सारोकार और उत्सव परम परंपराओं के कारण ही तो हमारी संस्कृति मृत्युंजयी है, कालजयी है। इसलिए तो हम भारत के प्राणी अनोखे हैं, अद्भुत हैं, अपने व्रत उपवास पर्व परंपराओं के कारण। एक मास की बारात, दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ और भूतनाथ महादेव और उनके संग उनके भी गण वेश बदलकर सभ्य बराती बनकर आ गए। हमारे शब्दों पर ध्यान दिया आपने, सभ्य बराती बनकर। बारात में सभ्यता रखनी चाहिए, वह बारात असभ्य ना हो जाए। कई जगह की बरातें तो ऐसी होती थी वहां चारपाई न टूटे तब तक बारात का पता ही नहीं लगता था। सभ्य बारात, शिष्टता, शालीनता, सद्गुण, विप्रगण देवगण मुनिगण, अद्भुत बारात।